भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव आज रेवाड़ी बाग में पहुंचे। बाग के मुख्य गेट पर वकीलों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात लक्ष्मण सिंह यादव वकीलों के साथ लॉयर्स कैंपस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। लक्ष्मण सिंह यादव वकीलों के हाल में पहुंचे व वकीलों से व्यक्तिगत मुलाकात की। इसके बाद वे बार रूम में पहुंचे, जहां पर बार के प्रधान विश्वामित्र यादव ने अपनी टीम के साथ उनका पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष वकीलों से बार रूम खचाखच भरा हुआ था। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मैं आपके बीच व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। रेवाड़ी में एक परिवार 50 साल से राज कर रहा है, क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जिस पर वकीलों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। बार के अंदर पधारे, क्या कहेंगे? देखिए, बार में मैं आज पहुंचा हूं वोट की अपील करने के लिए। सब वकीलों से बातचीत की है, लोगों में काफी कुछ यहां पक्ष की बात भी हुई है, क्योंकि मैंने सबसे हाथ उठा के आशीर्वाद मांगा है और लोगों ने दिया है। तो मैं सभी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट का, उनकी पूरी टीम का, पूर्व प्रधानों का, सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। छोटे से निमंत्रण पे इतनी भारी संख्या में सब वकील इकट्ठे हुए, इसलिए इनको साधुवाद, धन्यवाद। सर, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े ही समय में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी विदेश के अंदर भी गए थे, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा उनको समर्थन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यूं तो जब से प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने ताकत दी है तो पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अनेक अचीवमेंट भारत के लिए हुई है, बड़ा बदलाव आया है,
धीरे धीरे हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ रुपए में देश का सोना गिरवे रख दिया था। आज हम पांचवी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। जब मोदी जी यहाँ आए भूतपूर्व सैनिकों की रैली करने के लिए तो कहते थे देश में रक्षा सुरक्षा के लिए कील भी नहीं बनती, लेकिन आज हमारी सेना, आज हम सेना के रूप में आत्मनिर्भर बने हैं। पनडुब्बियाँ यहाँ बनती है, मिसाइल यहाँ बनती है, तेजस यहाँ बनता है, लड़ाकू विमान यहाँ बनता है। ये बदलाव नहीं तो क्या है सर? कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की अभी से लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे उसको? देखिए कांग्रेस का कल्चर तो आपको पहले से ही पता है और लोग आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र तो कांग्रेस का नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये सब सोच के ही है। क्योंकि रोहतक का राज तो पहले देखा है, रोहतक वालों का तो राज सबने भुगता है, देखा क्या है, भुगता है, तो अब दोबारा गलती थोड़ी ये क्षेत्र करेगा। ये अभी दलित समाज में भी भारी रोष था और उन्होंने भी भाजपा को समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? देना भी चाहिए, 4 महीने पहले चुनाव था, बोलो संविधान खतरे में है, आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अमेरिका में बैठ के राहुल बाबा कहते हैं आरक्षण हम खत्म करेंगे। 4 महीने में इतना बदलाव आ गया तो क्यों नहीं दलित समाज हमारे साथ होगा। और आपको पता है जो हमने बिल पास किया था पदोन्नति के लिए SC समाज के लिए, वो हुड्डा एंड कंपनी ने कोर्ट में जाकर रुकवाया है। हमने तो दे दिया था, कैबिनेट ने बिल पास कर दिया था, सदन में बिल पास हो गया था, लेकिन रुकवाया किसने? उन्होंने रुकवाया। तो इसलिए आज दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 4 महीने पहले ये जो धोखा दे गए थे दलित समाज को और फिर कई चीजों में धोखा दे गए थे, माताओं बहनों को कह रहे थे 8500 रुपए टका टक आएंगे, खा गए वो टका टक सब भूल भाल गए। तो इसलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ी।